हिस्ट्री के क्लास में हम लोगों ने म्यूटेशन का डिफिनीशन समझा था, साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को भी समझा था। म्यूटाजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि म्यूटेशन क्या है, अ सडन इनलार्ज चेंज इन जेनेटिकल कैरेक्टर ड्यू टू चेंजेस इन डीएनए और क्रोमोसोम is called mutation, and the factor which are responsible for mutation is known as mutagen. जिनके कारण mutation होता है उसे हम mutagen कहते हैं। ये physical, chemical या biological हो सकते हैं, और हम लोगों ने इसके examples को भी समझा था, जैसे X-ray, alpha, beta, gamma ray। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी UV lights इत्यादि जो है वो physical म्यूटाजेंस है। केमिकल में हम लोगों ने बात की थी जितनी तरह की नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, या फिर जो नशीले पदार्थ तंबाकू वगैरह है, ठीक है, साथ ही साथ अल्कोहल, फिनॉल, इथर इत्यादि भी म्यूटेशन के कारक हो सकते हैं, म्यूटाजेन हो सकते हैं। इसके अलावा वायरस के कारण होता है, सेल डिवीजन के समय होने वाली समस्याओं के कारण, या फिर डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान होने वाली समस्याओं के कारण भी म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन के कई कारण हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साथ में ये भी पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल म्यूटेशन को हम लोग दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, सोमेटिक सेल म्यूटेशन एंड जर्म सेल म्यूटेशन। और मैंने बताया था कि अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हो तो मोस्टली यह नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है। तो म्यूटेशन एक ऐसी समस्या है जो अनडायरेक्शनल होती है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये हार्मफुल होती है, और इसमें जो चेंजेस होते हैं उसे हम अपन फिलहाल ठीक नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, जीन म्यूटेशन जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, और दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, इनफैक्ट आप लोग को याद होगा मैंने डिफिनीशन में आप लोग को बताया था The changes occurred in DNA और क्रोमोसोम। या तो DNA में changes हो, DNA की संरचना में परिवर्तन हो, या क्रोमोसोम की structures में या उसके number में कोई changes हो, तो mutation हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी के आधार पर बांट रहे हैं, अगर DNA में changes हो रहा है और उसके कारण mutation हो रहा है, that is जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर क्रोमोसोम में कोई changes हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है या उसके नंबर्स में चेंजेस हो रहा है, देन इट इज नोन एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, द चेंज द म्यूटेशन अकर्ड ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। और आप क्रोमोसोमल में क्या लिख सकते हैं, द म्यूटेशन अकर्ड ड्यू टू चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और The changes in the number of chromosome is called chromosomal mutation. बहुत ही सिंपल है, DNA में चेंज हुआ, then जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोजोम में चेंज हो रहा है। दो तरह के चेंज हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल या न्यूमरिकल। संरचना बदल सकती है, संख्या बदल सकती है, तो भी म्यूटेशन होगा, और इसे हम कहेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन। अब यहाँ बात करते हैं जीन म्यूटेशन दो तरह के, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल और फॉर्म शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशनल यानी वहाँ पर हम लोगों ने डीएनए पढ़ा हुआ है और हम जानते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है नाइट्रोजिनस बेस, जिसके आधार पर डीएनए में कोड्स बनते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, और यही जेनेटिकल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल में हम देखेंगे कि ऐसा चेंजेस हो रहा है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो बदल जा रहा है, नाइट्रोजनस बदलेगा तो कुछ हद तक संरचना में बदलाव होगा, कोड्स बदलेंगे, ठीक है, और इसके कारण म्यूटेशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन का मतलब ये हुआ एस डीएनए में होने वाला ऐसा चेंजेस जिसमें एक या कुछ नाइट्रोजिनस बेस चेंज हो जाते हैं, एक या कुछ नाइट्रोजिनस बेस चेंज हो जाते हैं जिससे डीएनए की संरचना बदल जाती है। व्हेन वन और फ्यू नाइट्रोजिनस बेस ऑफ डीएनए इज चेंज ड्यू टू म्यूटाजन, देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज चेंज्ड व्हिच कॉजेस म्यूटेशन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशनल जीन म्यूटेशन, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सल।
ट्रांसवर्सन। अब समझे ट्रांजिशन क्या है। तो अगर प्यूरीन किसी दूसरे प्यूरीन से या पैरामिडीन किसी दूसरे पैरामिडीन नाइट्रोजन बेस से चेंज हो जाए, हम जानते हैं नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरीन और पैरामिडीन, और डीएनए में प्यूरीन के रूप में एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, जबकि पैरामिडीन के रूप में साइटोसिन और थाइमिन पाई जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना है, प्यूरीन प्यूरीन से या पैरामिडीन पैरामिडीन से बदल जाए, जिससे डीएनए की संरचना में चेंजेस आ जाए, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन, जीन म्यूटेशन। ओके, और अगर प्यूरीन पैरामिडीन से चेंज हो जाए या पैरामिडीन प्यूरीन से चेंज हो जाए, जिससे डीएनए की संरचना बदले और म्यूटेशन उत्पन्न हो, तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्सन। इफ द प्यूरीन इज चेंज विथ पैरामिडीन और पैरामिडीन इज चेंज विथ प्यूरीन इन वन और फ्यू प्लेसेस इन डीएनए, देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम चेंज व्हिच कॉजेज म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन। प्यूरीन पैरामिडीन से और पैरामिडीन प्यूरीन से बदल जाए, इसमें क्या था, प्यूरीन प्यूरीन से ही चेंज होगा, पैरामिडीन पैरामिडीन से ही चेंज होगा, ध्यान रखना। अब इसको हम लोग एक फिगर से समझे तो ज्यादा बेहतर होगा, ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आज हम लोग सिर्फ जीन म्यूटेशन को समझेंगे। आई थिंक ये आप सबने कॉपी कर लिया होगा और आपको ये कॉपी कर लेना भी चाहिए। इसके बेसिस पे हम लोग कम से कम, क्योंकि ग्रेजुएशन में लंबा आंसर होता है, तो हम लोग 6-7 पेज का आंसर लिख सकते हैं अगर हम इसे डिस्क्राइब करें। अब ये यहाँ समझ लें हम लोग, दिस वन इज ए डीएनए, सपोज एडेनिन हैविंग पेयर विद थायमिन, थायमिन इज पेयर विद एडेनिन, साइटोसिन विद गुआनिन, सपोज here again adenine thymine guanine cytosine triple bond cytosine guanine, suppose this one is a normal dna। ab hum log baat kar rahe hain transition ki, to maine transition mein kya bataya ki agar purine purine se yani a ki jagah par g aa jaye aur t ki jagah par kya aa jaye cytosine, a ki jagah par g aa gaya, purine se purine badal gaya, pyrimidine se pyrimidine, kya ye dna pehle jaisa hai, change ho gaya code, कोड चेंज हो गया तो कैरेक्टर्स भी बदल जाएगा, डेट इज ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने पूरी जानी जगह पे, ए और टी था। अब बात करें कि प्यूरीन जो है वो पैरामिडीन से बदल गया, यानी यहां पर आ गया प्यूरीन के जगह पैरामिडीन और यहां पैरामिडीन के जगह आ गया प्यूरीन। अब भी ये पहले वाला डीएनए नहीं है, चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर बदल गया, और स्ट्रक्चर बदलेंगे म्यूटेशन होगा, कैरेक्टर्स बदलेंगे, ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूशनल। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म शिफ्ट के, तो फॉर्म शिफ्ट को भी समझना बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमेशा पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस चेंज होंगे, इसमें कुछ नाइट्रोजनस बेस चेंज होते हैं, इसमें जब भी चेंज होंगे तो पेयर में चेंज होंगे, ये ध्यान रखना है फॉर्म शिफ्ट में। डिलीशन, अब हम यहाँ नंबर दे दें, सपोज ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मान लें कि डिलीशन यानी गायब होना, लुप्त होना, डिलीट का मतलब ही होता है खत्म होना। अब मान लीजिए डीएनए में से ये पेयर ही हट गया, तो क्या ये डीएनए पहले जैसा है, नेचुरल सी बात है, चेंजेस हो गया, कैरेक्टर्स बदल गया, दैट इज डिलीशन फॉर्म शिफ्ट म्यूटेशन। अब बात करें, फिर हम लोग आ जाते हैं अब पुराने स्ट्रक्चर्स को देने, ये अब ठीक है, ठीक है। अब इंजर्सन का मतलब हुआ बाहर से आकर कोई जुड़ गया। अब सपोज करें यहां पर एक और जुड़ गया, ए डबल बॉन्ड टी, सातवां आ गया, तो ये कुछ नया कैरेक्टर लेके आया होगा, डीएनए की संरचना बदल गई तो लक्षण भी बदल जाएंगे, दैट इज इंजर्सन, ठीक है। इसमें हट रहा है, इसमें जुड़ रहा है, एक या एक से अधिक पेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, डीएनए की संरचना बदल रही है, तो लक्षण भी बदलेंगे। चलिए अब फिर हम लोग समझते हैं इन्वर्सन को। इन्वर्सन में कहीं कोई ना हटता है ना आकर जुड़ता है, इसमें पोजीशन बदल जाता है। सपोज पोजीशन अगर हम लोग बात करें, सिंपल हम लोग बदल दें तीसरे को चौथे से, यानी यहां पर आ गया ए डबल बॉन्ड टी और यहां आ गया सी ट्रिपल बॉन्ड जी, यानी चौथा यहां पर आ गया और तीसरा यहां पर आ गया, है तो एक ही डीएनए में, लेकिन क्या यह डीएनए पहले जैसा रह गया, नेचुरल सी बात है, पोजीशन बदलने से चेंजेस आया स्ट्रक्चर में, और जब चेंजेस आएगा तो कैरेक्टर्स बदलेंगे, दैट इज इनवर्सन, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए की संरचना बदलती है, जिसे हम जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो इनको हम लोगों ने